दोस्तों, आज मैं नई कहानी के साथ आई हूँ। कहानी का नाम है बिल्ली का दर्पण। हाँ, बिल्ली का दर्पण। हाँ दोस्तों, बिल्ली का दर्पण भी होता है। तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, तो चलिए कहानी तक चलते हैं। एक दिन जंगल में शेर ने एक बिल्ली पकड़ी और उसे खाने को सोचने लगा। बिल्ली ने पूछा, तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? शेर ने कहा, इसलिए कि मैं बड़ा हूँ और तुम छोटी हो। बिल्ली ने आंखें मिचमिचाई और कहा, नहीं, बड़ी तो मैं हूँ, तुम तो छोटे हो। तुम कैसे कहते हो कि तुम मुझसे बड़े हो? बात सुनकर शेर उलझन में पड़ गया। शेर ने मन ही मन कहा, बात तो उसकी ठीक है, मैं कैसे जान सकता हूँ कि मैं कितना बड़ा हूँ? बिल्ली ने कहा, मेरे घर में एक दर्पण, तुम दर्पण में अपने को देखोगे तो पता चल जाएगा। शेर ने अपने को दर्पण में कभी नहीं देखा था, वह ऐसा करने के लिए तुरंत तैयार हो गया। बिल्ली को दर्पण बड़ा अजीब था, उसकी सतह तो उभरी हुई थी पर पिछला भाग भीतर को दसा हुआ था। बिल्ली ने उभरा हुआ भाग शेर के सामने कर दिया। शेर ने दर्पण में देखा तो वह तो एक दुबली पतली गिलहरी जितना लग रहा था। बिल्ली ने कहा, पता लग गया ना कितने बड़े हो, ये दर्पण तो असल में थोड़ा बड़ा ही दिखता है, वास्तव में तुम इससे भी छोटे हो। शेर डर गया, उसने सिर झुका लिया। बिल्ली ने चुपके से दर्पण घुमा दिया, फिर बोली, अब जा तुम हटो और मुझे अपने आप को देखने दो। आप चुरा कर शेर ने भी चुपके से देखा, दर्पण में बिल्ली बड़ी व भयानक नजर आ रही थी। बिल्ली का मुंह तो काफी बड़ा हो गया था, कभी खुलता था कभी बंद होता था और बड़ा डरावना लग रहा था। शेर ने सोचा, बिल्ली उसे खाना चाहती है, मारे डर के वह जंगल में भाग गया। हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट कर दीजिएगा तो जरूर। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं नई कहानी के साथ। और हाँ दोस्तों, कुछ प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई कहानी के साथ। बाय।